जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों टुडे ब्रेकिंग न्यूज में आज हम आपको बताएंगे कि लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद 3 मई तक नहीं चलेंगी ट्रेनें, बंद रहेंगी सभी उड़ानें। आइए बेहद जरूरी खबरें हम आपको बताते हैं। कोरोना का कोहराम, अमेरिका में 23,529 मौतें, भारत में 3 मई तक बढ़ा लॉकडाउन। दुनिया भर में 19,18,855 लोग संक्रमित, कोरोना से 1,19,588 लोगों की मौत, भारत में 3 मई तक बढ़ा लॉकडाउन। सोमवार को अमेरिका में 1,509 मौतें। सब्जी बेचने वाले का पहले पूछा धर्म, फिर कर दी डंडे से पिटाई। पीएम मोदी ने इन 7 बातों के लिए देश की जनता से मांगा साथ। और साथ ही साथ लॉकडाउन पार्ट 2, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में सरकार ने अब तक दिए 1.7 लाख करोड़। अमित शाह बोले, लॉकडाउन का पालन करें, देश में अन्न दवाई एवं अन्य चीजों का पर्याप्त भंडार है। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं टुडे ब्रेकिंग न्यूज। बड़ी खबर निकल कर आ रही है, लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद 3 मई तक नहीं चलेंगी ट्रेन, बंद रहेंगी सभी उड़ानें। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने की घोषणा कर दी है। इस ऐलान के साथ ही तमाम अटकलों पर भी विराम लग गया है। माना जा रहा है कि 14 अप्रैल तक लॉकडाउन अवधि रहेगी, इसके बाद ट्रेनों का संचालन शुरू किया जा सकता है। भारतीय रेलवे ने भी साफ कर दिया है कि 3 मई तक कोई भी यात्री ट्रेन नहीं चलाई जाएगी। यही नहीं, हवाई सेवाओं को भी 3 मई तक रद्द करने का ऐलान किया गया है। उड्डयन मंत्रालय ने जानकारी दी कि इस दौरान घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं दोनों ही बंद रहेंगी। रेल मंत्रालय के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा कि रेलवे ने 3 मई तक अपनी यात्री रेल सेवा निलंबित रखने का फैसला किया है। जल्द ही इस पर विस्तार से जानकारी दे दी जाएगी। इससे पहले यात्री सेवा 14 अप्रैल रात तक निलंबित की गई थी। रेल मंत्रालय के मुताबिक प्रीमियम ट्रेन, मेल एक्सप्रेस ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, सबर्बन ट्रेन, कोलकाता मेट्रो रेल और कोकण रेलवे आदि को 3 मई तक बंद कर दिया गया है। फ्लाइट का संचालन भी बंद रहेगा। लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद अब स्थिति साफ हो गई है। उड्डयन मंत्रालय ने भी साफ कर दिया है कि सभी तरह की उड़ानें 3 मई रात 12 बजे तक रद्द रहेंगी। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कोरोना का कोहराम, अमेरिका में 23,529 मौतें, भारत में 3 मई तक बढ़ा लॉकडाउन। दुनिया भर के 180 से ज्यादा देशों में कोहराम मचा रहे कोरोना वायरस से 1,19,588 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 19,18,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। कोरोना से तबाही का मंजर अमेरिका में सबसे ज्यादा भयानक है। पिछले 24 घंटे में वहां 1,509 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं इटली में कोरोना वायरस के कारण होने वाली मौतों का आंकड़ा 20,000 के पार चला गया है। इसके अलावा स्पेन में 17,756 और फ्रांस में 14,967 लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रांस में लॉकडाउन 11 मई तक बढ़ा दिया गया है। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए मंगलवार को लॉकडाउन के दूसरे चरण का ऐलान कर दिया है। पीएम ने इसे 3 मई तक बढ़ाने की जानकारी देशवासियों को दे दी है। उन्होंने जनता का आभार जताते हुए कहा कि लोगों ने जिस अनुशासन के साथ इसका पालन किया है वह सराहनीय है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने देश की जनता से 7 संकल्पों के साथ मांगा है। उन्होंने कहा कि हम धैर्य बनाकर रखेंगे, नियमों का पालन करेंगे तो कोरोना जैसी महामारी को भी परास्त कर पाएंगे। मैं आज 7 बातों में आपका साथ मांग रहा हूँ। नंबर 1, अपने घर के बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। विशेषकर ऐसे व्यक्ति जिन्हें पुरानी बीमारी हो उनकी हमें अधिक देखभाल करनी है, उन्हें कोरोना से बहुत बचाकर रखना है। नंबर 2, लॉकडाउन और सामाजिक दूरी की लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह पालन करें। घर में बने फेस कवर या मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। गर्म पानी, काढ़ा, इनका निरंतर सेवन करें। नंबर 4, कोरोना का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें। दूसरों को भी इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें।
नंबर 5, जितना हो सके उतने गरीब परिवार की देखरेख करें, उनके भोजन की आवश्यकता पूरी करें। नंबर 6, आप अपने व्यवसाय, अपने उद्योग में अपने साथ काम करें, लोगों के प्रति संवेदना रखें, किसी को नौकरी से ना निकालें। नंबर 7, देश के कोरोना योद्धा हमारे डॉक्टर, नर्सों, सफाई कर्मियों और पुलिस कर्मियों का पूरा सम्मान करें। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से सरकार ने जरूरतमंदों की मदद करने का हर संभव प्रयास किया है। नई गाइडलाइंस बताते समय भी उनका पूरा ध्यान रखा गया है। कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा घोषित 1.70 लाख करोड़ रुपए के कुल 29,352 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद मिल चुकी है। यह जानकारी केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से दी गई है। वही 19.86 करोड़ महिला जनधन अकाउंट होल्डर्स को भी 500 रुपए की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। केंद्र सरकार ने अब तक इस पर 9,930 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम के तहत कुल 282 करोड़ लोगों को 1,400 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। इनमें वरिष्ठ नागरिक, विधवा महिलाएं और विकलांग लोग शामिल हैं। इन प्रत्येक लाभार्थियों को सरकार ने अनुग्रह राशि के तौर पर उनके खाते में 1,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। 14 अप्रैल कोरोना वायरस की रोकथाम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। लॉकडाउन बढ़ने के बाद अमित शाह ने कहा कि लॉकडाउन का पालन करें, देश में खाने पीने, दवाई एवं अन्य चीजों का पर्याप्त भंडार है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश के गृह मंत्री के नाते मैं जनता को पुनः आश्वस्त करता हूं कि देश में अनंत दवाई एवं अन्य रोजमर्रा की चीजों का पर्याप्त भंडार है, इसीलिए किसी भी नागरिक को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही स्तंभ पर लोगों से निवेदन करता हूं कि आप आगे आकर आसपास रहने वाले गरीबों की सहायता करें। देश के गृह मंत्री के नाते मैं जनता को पुनः आश्वस्त करता हूं कि देश में अन्न दवाई व अन्य रोजमर्रा की चीजों के पर्याप्त भंडार हैं। इसके अलावा गृह मंत्री ने कहा कि इस लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हमारे डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मचारी, पुलिस बल व सभी सुरक्षा कर्मियों का योगदान दिल से छू लेने वाला है। इस विषम परिस्थिति में आपका यह साहस और समझदारी हर भारतवासी को प्रेरित करती है। सभी लोग दिशा निर्देशों का पालन कर इनका सहयोग करें। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, छात्रों और किसानों के लिए कही यह बातें। योगी आदित्यनाथ के एक फैसले के बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अहम फैसला लेते हुए कहा है कि छात्र अब घर बैठकर ऑनलाइन पढ़ाई करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों की उपज खेतों से ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने को कहा है। आपको बताना चाहेंगे कि कोरोना संक्रमण की समीक्षा योगी आदित्यनाथ ने रविवार को टीम 11 के साथ बैठकर अपने सरकारी आवास में ही किया है। इस बैठक के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों को फसल कटाई के दौरान आने जाने में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि स्थानीय प्रशासन नियमों का सरलीकरण करें और किसानों की मदद करें। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की वैश्विक महामारी के कारण देशव्यापी लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने की घोषणा के साथ यह भी कहा कि जिन इलाकों में हॉटस्पॉट नहीं बनेंगे, उन क्षेत्रों में 20 अप्रैल को कुछ रियायतें दी जाएंगी। मोदी ने मंगलवार को यहां राष्ट्र के नाम अपने संदेश में यह जानकारी देते हुए कहा कि किसानों और दिहाड़ी मजदूरों को ध्यान में रखते हुए ये रियायतें दी जाएंगी। जो सशस्त्र होंगी और यदि वहां कोरोना विषाणु के संक्रमण के मामले बढ़े तो ये रियायतें तुरंत वापस ले ली जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले एक सप्ताह में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कठोरता और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। कोविड-19 पर कल नए दिशा निर्देश जारी होंगे। 20 अप्रैल तक हर कस्बे, हर यानी हर जिले में हर राज्य को परखा जाएगा। वहां लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है, उस क्षेत्र में कोरोना से खुद को कितना बचाया है, ये देखा जाएगा। उन्होंने कहा जो क्षेत्र इस अग्नि परीक्षा में सफल रहेंगे, जो हॉटस्पॉट में नहीं होंगे और जिनके हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका भी कम होगी, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति दे दी जा सकती है।
इसीलिए ना खुद कोई लापरवाही करनी है और ना ही किसी और को लापरवाही करने देना है। उन्होंने कहा कल इस बारे में सरकार की तरफ से एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। अब नए दिशा निर्देश बनाते समय भी उनके हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा जो रोज कमाते हैं रोज की कमाई से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं वो मेरा परिवार है। मेरी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में एक इनके जीवन में आई मुश्किलों को कम करना है। इस समय रबी फसल की कटाई का काम भी जारी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर प्रयास कर रही है कि किसानों को कम से कम दिक्कत हो। धन्यवाद।